So we are at Borduria village. अभी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो हमारा अशोक चक्र हमारा मार्टर्ड हंगपंग दादा के मेमोरियल पर. सो हंगपंग दादा मेमोरियल मार्टर्ड इनके मेमोरी में बनाया गया है जो अशोक चक्र. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आ चुके हैं बोरदुरिया विलेज पर जो हमारे अशोक चक्र जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए थे हमारे कंट्री के लिए मीरा नाला जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट के साथ लड़कर उनके मेमोरियल पर आज आए हैं जो कि नन अदर देन हमारे मार्टर्ड हंगपंग दादा के मेमोरियल पर. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका मेमोरियल यहाँ पर बनाया हुआ है जो हमारे अशोक चक्र थे जो आसाम रेजिमेंट के थे. और आसाम रेजिमेंट का एक बहुत इनफेमस गाना है जो इनके डॉक्यूमेंट्री में भी जो दिया गया था, तो उसको मैं आज गाना चाहूँगा आपके सामने हंगपंग दादा के रेस्पेक्ट में. सो बदलू राम का बदन जमी का नीचे है, बदलू राम का बदन जमी का नीचे है, बदलू राम का बदन जमी का नीचे है, तो हमें उसका राशन मिलता है. शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, शाबाश हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है. बदलू राम का बदन जमी का नीचे है, बदलू राम का बदन जमी का नीचे है. सो दिस वॉज अ सॉन्ग फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ यहाँ पर आज हम लोग आए हैं अपना ड्यू रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको याद करने के लिए कि कैसे एक सोल्जर अपना पूरा घर परिवार छोड़कर बोर्डुरिया जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट कंट्री का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश में जो म्यांमार के बॉर्डर के आसपास है, वहाँ पर आके जो वहाँ के बच्चे वहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में जाके अपने कंट्री के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दे रहे हैं, उससे बड़ा एक नेशनैलिटी का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है. तो इसी के साथ मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा. और कुछ बोलेगा तुम बोलो ना इसमें. हाय गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, आपको ले जाना चाहता हूँ रियल ब्यूटी द टी स्टेट्स ऑफ तिराप डिस्ट्रिक्ट. प्लीज हैव ए लुक, मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटीफुल. देखने से ही यहाँ पे पता चलेगा, इसीलिए आप लोग भी कौन सा घूमने आए जब लॉकडाउंस वगैरह खत्म हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो. और बैकग्राउंड म्यूजिक से मैं ये बोलता हूँ कि इन वादियों को गलती से मिस ना करें. और देखिए इस एलेंसो चाय के साथ में आज आप इस खूबसूरत और क्या बोले जन्नत की तरह कौन सा कि इस हसीन वादियों में. हाँ वाह, चलिए देखते हैं क्या लेकर आए हैं हमारे एलेंसो इस बार के वीडियो में, आप लोगों के साथ क्या रूबरू करते हैं देखते हैं. पता है एलेंसो रूबरू मतलब ठीक है चाय बगान देखने. सरकार किसका है बताओ? सुशासन का सरकार है. बहुत बढ़िया, चलिए चलिए आगे चलिए. कहाँ घुस रहा, कहीं और जगह नहीं है. आई मीन यहाँ से तो कहाँ घुस पाएगा तू? घुसते हैं ना, घुसने लायक है. चाय बगान तो तोड़ते. तो देखिए मैं पहली बार कौन सा आया और ये मुझे ऐसे जगह से ले जा रहा है जहाँ से चलने का रास्ता भी नहीं है. काफ़ी दुर्गम स्थिति है यहाँ पर मज़ा बहुत आ रहा है. मज़ा ही आना चाहिए बस. मज़ा बहुत आ रहा है बस. ये देखिए मतलब शब्दों से बयां नहीं कर सकते हम. देखिए क्या खूबसूरत, वाह, ओ माय गॉड. पता नहीं खूबसूरत का तो पता नहीं, बट मेरा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ. हाँ देखो कौन सा सीधे पहाड़ों के बीच. क्या देखो, वो देखो कौन सा, वो देखो कौन सा वहाँ पर है पहाड़ों की उन वादियों में ना. हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट का. अच्छा, तो गाजी को घुमा रहा हूँ जितना हो सकता है यहाँ पर. अच्छा जी, जगह है तो आज यहाँ पर आए हैं, कल फिर हम विलेज वॉक करवाएंगे. आदमी है कि महिला है? चलो रुको ना यार,
चलिएगा तभी बताएंगे ना। नाराज हो जाते हैं यार। देखिए देखिए गौर से देखिए, सनसनीखेज, यही है वो कातिल। गौर से देखिए इसको, यही है वो शैतान। कोई शैतान नहीं है। अभी हम लोग व्यू पॉइंट जा रहे हैं बोरदुरिया में, जो आईबी के पास है बोरदुरिया का। बहुत सनी डे है, काफ़ी गर्मी बढ़ गई है यहाँ पर। ये स्टेज से होते हुए वो व्यू पॉइंट जाएंगे हम लोग। लाइक कुंग फू पेंडा, आई हेट स्टेयर्स। सो कीप इंश्योर कि आप लोग पानी लेके चले हमेशा। नजारा तो दिखाओ तुम, पानी लेके चलो, ठीक से चलो, क्या है नजारा दिखाओ। वादियों को दिखाना है बोल रहा है असिस्टेंट, बहुत गाली मार रहा है। अभी दिखाना पड़ा, रुके, दिखा रहा है आप लोगों को नज़ारा। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, काफ़ी सुंदर जगह है। मैं भी पहले बार आया हूँ, रास्ते से देखता था इस जगह को, व्यू पॉइंट को, तो सोचता था कि कभी आऊँगा। सिंस मेरा बड़ी मिस्टर गाजी ने जब अपना कदम रखा खोंसा पे, मैंने सोचा ये बहुत ही अच्छा समय है कि इसे भी घुमाया जाए और मैं भी घूम लूँ साथ में, और आप लोगों को भी घुमा दूँ। तो बस हम लोग पहुँचने वाले हैं व्यू पॉइंट एरिया में, तो चलिए आके बैठते हैं। और हमने कुछ मार्केट से फ्रेश जूसी आम खरीदे थे, उसको खाएंगे। सो ये है व्यू पॉइंट, देख सकते हैं आप लोग। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी ब्रेक लेते हैं। ब्यूटिफुल वैलीज ऑफ बोरदुरिया, दिस इज द व्यू पॉइंट फ्रॉम वेयर आई एम टेकिंग दिस वीडियो। जस्ट सी द एलिगेंस ऑफ दिस वैली। आज हम बोरदुरिया की इस वादियों से, हसीन वादियों से, हम एक जाना माना हस्ती जिसको जिसको आप लोग सब जानते हैं, उनका हम उनके साथ मुखातिब होंगे या फिर कहते हैं कि इंटरव्यू लेंगे आज। पर हम लोग पॉलिटिकल के ऊपर बात नहीं करेंगे, ए पॉलिटिकल बातें करेंगे, ठीक है। ए पॉलिटिकल, इसमें कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं होगा, कोई दो राय नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, बिल्कुल ए पॉलिटिकल, ठीक है। तो एरन जी आप रेडी हैं? जी। आपकी तरफ करूँ? जी हजूर। ठीक है, कहाँ से? ये रहा हमारा एलेंसो। तो एलेंसो, yes. आपके हाथ में क्या है बताइए? मेरे हाथ पर आम है। आम? और आम कौन से बोले आम है? ये दशहरी आम है। दशहरी आम जी। अच्छा, और क्या क्या आम के बारे में जानते हैं? कौन से आम के बारे में जानते हैं आप? मैं जानता हूँ कि अल्फोंसो जो है आम का किंग कहा जाता है। देखिए अल्फोंसो जो इस, हाँ, जो प्रकार का है। ब्रेकिंग न्यूज, एलेंसो के हाथों में आम, और वो कौन से वाले आम? ये कौन से वाले? दशहरी, दैट इज द ब्रेकिंग न्यूज। हाँ ठीक है, और बताइए, और आम के बारे में बताइए। और सफेदा होता है, लंगड़ा होता है। अच्छा, दशहरी है, बहुत पता है तुमको। अल्फोंसो है,
बहुत पता है आपको? जी हाँ। अच्छा, और बताइए। और यही है कि मार्केट से उठाए हैं तो इसको धो के ही खाइएगा। अच्छा, वरना बीमारी पड़ सकता है आपको। अच्छा अच्छा, ये बताइए अलंसो जी, आपको आम खाने का कब से शौक है? आम खाने का मेरा शौक कब से बना? जब से मेरा पेट गर्म रहता था। अच्छा, ये पेट तो को ठंडा करता है। ये बताइए हमें, आम आम खाते तो कैसे खाते हैं? घुटले का से ऐसे चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं, कैसे खाते हैं आप? देखिएगा, अभी अगर आप अपने घर पर हो, एक हाँ, आपका सुविधा हो हाँ, तो आप थाली पे लेके उसको हम काट के खाइएगा। आपको पूछ रहा, आपका क्या शौक है? आपका शौक बताइए। हमारा शौक है कि भाई खाओ तो पूरा खाओ गुटलियों के साथ। कैसे चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं या गुटले के साथ पूरा मतलब दबो जाते हैं आप? तीनों प्रकार से खाते हैं बस। और बताइए दर्शक, और दर्शकों को कुछ ज्ञान दीजिए आम के बारे में। यही दे रहे हैं कि देखिए, अभी रास्ते पे ट्रेवलिंग कर रहे हो और आपके पास नाइफ ना हो, चाकू ना हो। हाँ हाँ, सुनिए सुनिए। और आपके पास कोई प्लेट ना हो हाँ, तो इसे जस्ट ऊपर से धो के छील ले इसे। अच्छा, निकाल ले। कैसे? ऐसे 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 कैसे? दिखाओ दिखाओ, ऐसे दिखाइए। ऐसे करके यहाँ से ऐसे छील ले। बहुत बढ़िया, बस उसके बाद इसको ऐसे चूस के खाइए। अब आम खाने के बाद सुस्ताने का जी चाह रहा है, इसीलिए हम लोग चल रहे हैं यहाँ से अपने क्वार्टर की ओर, कौनसापुर स्टेशन की ओर। उससे पहले एक दो फोटो लिया जाए DSLR के द्वारा बाय फोटोग्राफर। ठीक है, इसको तो ये भी खींच रहे हैं, ये तक दबाना रॉन्गिंग में हो। यहाँ से लो भाई, ह्यूमन ह्यूमन बियर। ये कहाँ का था लेकिन? इंडिया में तो नहीं मिलता। सिक्किम का है। फक इट। जाओ। थैंक यू वाला को लेके जाएगा ना।